जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन जाने के बाद यानी धारा 370 हटा दी जाने के बाद आखिरकार लोग क्या सोचते हैं, खासतौर से लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं कि कैसा फैसला है, इसको किस नजरे से देखा जाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, जो धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का फैसला है, किस नज़र से देखते हैं आप? फैसला बहुत अच्छा है, बहुत साहसिक फैसला है। जैसे आयुष्मान सेवा है और भारत सरकार ने जो जो स्कीमें शुरू करी थी, वहाँ की जनता को जो है उसका कोई फायदा ही नहीं मिल पाता था। जैसे और आम जगह की स्टेट है, वहाँ पर आदमी जो है महीने का 3,000 रुपये जैसे खर्चा आता है, 3,500, वहाँ के लोगों को वह 15,000-20,000 रुपये आ रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत अच्छा और बहुत साहसिक कदम है। तो देखिए, लोग मानते हैं कि साहसिक कदम है, और भी लोग उनसे पूछते हैं, युवा पीढ़ी के लोग, आपको क्या लग रहा है धारा 370 को हटाया जाना कैसा फैसला लगता है आपको, किस तरीके से? ये फैसला बहुत सही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, जो आज कई सालों से, कई वर्षों से ये चल रहा था, जो आज सामने आया है, बहुत अच्छा फैसला। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फैसला? ये फैसला बहुत ज़बरदस्त है और बाकी पार्टियों की दुकान बंद हो गई, भविष्य में बंद होने की नौबत है। 2-3 मुद्दे देश के ऐसे और भी हैं, जैसे NRC हो गया, रोहड़िया हो गया, जो हमारा हक छीन के लेके जा रहे हैं, और पार्टियां उसी पे राजनीति कर रही, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो भी छीनना चाहिए। जो हमारा हक है देश के, हम संवैधानिक ढांचे के नागरिक, तो जो हमारा वर्चस्व और हक है वो हमको पूरी तरीके से मिलना चाहिए, अदरवाइज देश का कोई दूसरा नागरिक कैसे लेके जाए। बहुत नहीं मिलना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक फैसला है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, भाई साहब ने कहा, जावेद जी ने, कि जो सरकारी स्कीम है उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपको लगता है कि? बिल्कुल, जावेद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हकीकत यही बात है कि देश के बाकी अन्य हिस्सों से अभी तक इस धारा की वजह से जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग कटा हुआ था और हमारी मुख्य धारा में शामिल हो नहीं पा रहा था। अब ये जो फैसला हुआ है, ये अत्यंत ही साहसिक और बहुत, मतलब अभी तक हम लोग समझते थे सिर्फ एक चुनावी जुमला हुआ करता था ये, लेकिन हकीकत में होगा ऐसी कल्पना नहीं करी गई थी, मगर बहुत ही साहसिक कदम है सरकार का, बहुत अच्छा है। और अब जो इसके परिणाम आएंगे, थोड़ा देर लगेगी, अभी लोग परेशान हैं, वहाँ के लोकलाइट्स के साथ हम सब पूरे देश के लोग हैं, वहाँ के लोगों के साथ में उनको थोड़ा सा गलतफहमियाँ हैं, भ्रम है, जो इतने सालों में उनको भ्रमित करके रखा है नेताओं ने वहाँ पे, अलगाववादियों ने, उसका परिणाम है कि वो आज थोड़ा सा परेशान है, लेकिन वो परेशानी क्षणिक है, बाद में ये अच्छी चीज़ें आएंगी उनके सामने और उनको इसका लाभ मिलेगा। देश की बहुत सारी योजनाओं को वो लाभान्वित नहीं हो रहे थे, जो अब उनको मिलेगा। क्या शुभ नाम है? मुझे नीलेश सिन्हा कहते हैं। आप सर बताइए, क्या नाम है आपका? कमर। कमर साहब, ये जो धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, केंद्र शासित राज्य घोषित हो गया वो, जी आपको क्या लगता है कि ये कितना हित में होगा देश? नहीं, ठीक किया है, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, जो अब हुआ इसको बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के लोग भी तो बहुत परेशान है, कोई अच्छे नहीं उसमें वो अपना कर रहे हैं जीवन। जीवन तो जब ही, मतलब वो होगा, देते तो हम ही हैं उनको, और फिर भी हम कुछ नहीं थे। अच्छा, अभी तो आप, अच्छा बताइए, आपका क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश, बताइए, अब ये हो गया कि लोग दूसरे राज्य से भी, लोग भी जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे जी, धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर वहाँ के लोगों को मिल पाएगी, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए, लगता है कि वास्तव में हकीकत में अच्छा फैसला हुआ? मैं मानता हूँ कि अगर ये जो धारा 370 लगाई गई थी, ये अगर कश्मीर और जम्मू के भविष्य के लिए लगाई गई थी, तो 70 सालों में आप देख सकते हैं कि कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, कोई विकास नहीं है, जैसा का तैसा हुआ है। तो जब 370 से कुछ विकास ही नहीं हुआ, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो जो हटाया गया है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कश्मीर पे और लोगों पे भी, वहाँ की जनता के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा फैसला हुआ है, इसको ना तो मजहबी आधार पर और ना ही सियासी आधार पर देखा जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो उसकी बेहतरी के लिए अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो लोग उसकी सराहना कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकारी योजना है जिसके लाभ से अभी तक वंचित थे जम्मू कश्मीर के लोग, वो अब वहाँ से जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिल सकेगा। कुछ और लोगों से भी राय ले लेते हैं। जी 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 जावेद साहब, सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पर इतने 70 सालों से जो अलगाववादी थे, उनका एक भी बच्चा बता दिए जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ता हो, करोड़ों करोड़ों रुपया उनको मिलता था, वो सब किस लिए मिलता था? कि अपने बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ाओ,
उनकी सुरक्षा पे कितना खर्चा आ रहा था, उनकी सुरक्षा पे भारत सरकार और विदेशों में खाली उनके बच्चे पढ़ रहे थे। देखिए ये बहुत जम्मू कश्मीर का जो है जी, बहुत देखिए अहम सवाल ये है कि जो अलगाववादी थे उनको ये कह रहे लोग कि उनके बच्चे जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा आता है कि विदेशों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो वहाँ पर परेशान हो रही थी। जी आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हर्षल गुप्ता सर। हर्षल जी आप बताइए कि ये जो फैसला हुआ धारा 370 को लेकर के, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? मोदी जी ने बहुत बेहतर फैसला दिया है ये, क्योंकि उन्होंने जो भी बोल के दिया वो करके दिखाया है। किसी की हिम्मत नहीं बनी आज तक इतने 70 सालों में कि 370 पे कोई आवाज़ भी उठा दे, और कांग्रेस इस तरह से बयान दे रही है और ये यूएन का फैसला होना चाहिए, हिंदुस्तान का फैसला नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ें हैं। हमें पूरा भरोसा था, इसीलिए जनमत के साथ हमने वोट दिया है मोदी जी को, उन्होंने बेहतर काम करके दिया है, पूरी उम्मीद थी ये करके देंगे और अच्छे से करके दिया, हमें इंतजार राम मंदिर का भी है। अच्छा बताइए कंवर साहब कि जो लोग कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं साहसिक फैसला है, आप क्या लग रहा है कि इतने साल तक क्यों इस मामले को लटकाए रखा गया? ये पिछली गवर्नमेंट का है, पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब इसको टाले रखा अपने अपने हित के समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए इसको, लेकिन इसको तो बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा अभी अगर आपको मौका मिले कि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अगर अवसर मिले तो क्यों नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इच्छुक है कि वहाँ बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, भारत का वो है, इंडिया का मेरे वो है, कोई ऐसा तो बाहर तो है नहीं कि दूसरे मुल्क जा रहे हैं खरीदने, अपने ही मुल्क में जा रहे हैं तो फिर क्या है, कोई ऐसी परेशानी? जावेद साहब एक और भी था वहाँ पे मसला कि जैसे कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की कोई स्त्री अगर पाकिस्तान से शादी करती थी तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अगर उसी महिला ने किसी उत्तर प्रदेश में या किसी बिहार में जाकर के शादी कर ली तो वो उसको नहीं मान्यता उसको नागरिकता मिलती थी, उसको वहाँ से अपनी नागरिकता छोड़नी पड़ती जम्मू कश्मीर की। आप क्या लग रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें थी, क्या देश को इस बारे में जानकारी नहीं थी, पहली बार जानकारी हुई, या लग रहा था कि सियासी कारणों से इस चीज़ को सियासी कारणों से जो है ये किसी को जो है बताने की उन लोग ने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि बस दो ही तीन परिवार या तो मुफ्ती या तो अब्दुल्ला, उन्हीं का जो है एक छत्र राज था, उन्हीं राज तक के जो है कुछ वहाँ पर डेवलप का होने ही नहीं दिया। अगर आपको मौका मिले कि वहाँ पर जाकर के आप अपना कोई कारोबार करें तो आप जाना पसंद करेंगे? जरूर पसंद करेंगे, जरूर जाएंगे, अपना मुल्क है। एक सवाल आपने जावेद साहब से पूछा अभी कि ये जानकारी लोगों को थी कि नहीं थी कि यदि जम्मू कश्मीर की महिला या लड़की पाकिस्तान के किसी पुरुष से शादी करती है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है पाकिस्तानी व्यक्ति को, मगर हिंदुस्तान के अन्य किसी भी राज्य के लड़के से यदि विवाह करती है तो उसकी स्वयं की नागरिकता भी वहाँ से हट जाती है, ये जानकारी लोगों को थी। लेकिन असल में ये जो है मुद्दा जब आज़ादी के समय बंटवारे के समय हुआ तो उस समय ये सिर्फ सौदेबाजी हुई थी, केवल जो अपना निजी हित साधने के लिए कुछ परिवारों का उस सौदेबाजी का परिणाम था कि आज इतने 70 सालों से ये प्रताड़ना जम्मू कश्मीर की महिलाएं, वहाँ की लड़कियां और वहाँ के जो भी लोग हैं वो ना तो आप ये समझिए जो दलित आरक्षण यहाँ पे इतने सारे के आरक्षण हैं वो कहीं भी वहाँ नहीं लागू थे, वहाँ पे नहीं मिल रहे थे, अब वो सब मिलेंगे, जो पूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में जितने भी अधिकार हैं लोगों को वो सारे अधिकार अब पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिल पा रहे थे। ये कितने वंचित रहे, 70 साल उन्होंने अपने गंवाए, आज वो कहाँ से कहाँ हो सकते थे। बस एक चीज़ छोटी सी कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ हुआ है, केवल कश्मीर अभी मैं स्वयं 2 महीने पहले पूरा घूम के आया हूँ तो मुझे पता वहाँ की नेचुरलिटी जो है, वहाँ का पर्यावरण जो है वो, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि आप वहाँ पे जमीन खरीद के वहाँ अपना कारोबार करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए, ताकि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो कहा जाता है हिंदुस्तान के माथे का तिलक है, स्वर्ग है, वो बना रहे, बरकरार रहे हमेशा, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा हम समस्त हिंदुस्तानियों को। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है वो ये भी चाहते हैं कि जो कारोबार है अगर उनको करने का मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। एक सवाल अंतिम सभी लोगों से जान लेते हैं कि आप लोग को लगता है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास होगा और वहाँ से आतंकवाद खत्म होगा, आपको क्या लग रहा है? जरूर कदम होगा, 100% कदम होगा आतंकवाद, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आर्थिक विकास होगा, रोजगार के साधन डेवलप होंगे तो जम्मू कश्मीर का युवा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। बताइए कमर साहब आपको क्या? बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज ये है कि उनके पास कारोबार है ही, सिवाय इसके के टेररिस्ट पैदा करना, या मतलब आपके दो कारोबार हैं कि आप पर्यावरण के लिए या उसके लिए चले गए, घूमने चले गए, टूरिज्म का है, दूसरा आपके वहाँ पर सेब का एक कारोबार है, इसके अलावा कौन सा कारोबार है, कोई है ही नहीं, दे तो आप ही रहे, सेंटर ही दे रही है उनको, सब कुछ भर रही है उनका, उसके बाद क्या मतलब है इसमें रहने का, अब अच्छा है।
ये हो जाएगा। आप बताइए आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल लगता है, बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वहाँ पे और रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने के साथ साथ अभी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी कि भारत सरकार किस तरीके से सिक्योरिटी वहाँ पे दे पाती है, बेहतरीन तरीके से देगी, सेना पे हमें पूरा भरोसा है। और बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। रोजगार जितना बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी सरकार को, बेहतर तरीके से बढ़ेगा। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, लग रहा कि हालात बेहतर हो जाएंगे पहले से? देखिए मेरा मानना है कि जिस तरह से कश्मीर के पास अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उनका कायदे से सदुपयोग किया जाए तो ना केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक डेवलपमेंट भी वहाँ काफ़ी सुचारू रूप से हो सकता है। हाँ हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम डेवलपमेंट करें तो केवल डेवलपमेंट ही ना करें, हम बाकी के जो पहलू हैं समाज के विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण विकास को भी जो है हम अपने साथ में लेके चलें, तो ही वहाँ पे संपूर्ण डेवलपमेंट की प्राप्ति हम कर पाएंगे। और जहाँ तक रही बात आतंकवाद की या अलगाववाद की, जब सामाजिक डेवलपमेंट होता है और आर्थिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक प्रगति आती है, जहाँ पर भी आती है वहाँ पर नक्सलिज्म या अन्य तरह की अलगाववादी ताकतें कमज़ोर होती जाती हैं और जीवन सुचारू रूप से वहाँ पर चलने लगता है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत सारे लोग थे जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर धारा 370 हटाए जाने के बाद सरकार वहाँ पर विकास पर ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर जो कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अलगाववादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो भी उससे बाहर निकलेंगे, वो भी जो विकास की मुख्य धारा उससे जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर से न केवल आतंकवाद का सफाया होगा बल्कि आर्थिक विकास भी उस राज्य का बहुत तेजी से होगा। कैमरा पर्सन संजीव कुसाई के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।